हाय, मैं नजम अलवी। यू आर वॉचिंग माई वी लॉग चैनल। आज हम आपको बताएंगे लद्दाख में चाइना की सिचुएशन। चाइना ने एक स्पेशल किस्म की लेज़र गन इस्तेमाल की है, माइक्रोवेव उसे कहते हैं। उससे इंडिया में जिस जगह पे इंडियन आर्मी बैठी थी वहाँ पर माइक्रोवेव से उन्होंने हमला किया है। और माइक्रोवेव एक नई ईजाद है। माइक्रोवेव के ज़रिए वो मकसद ये कि वहाँ पे हाथों से और उससे लड़ना तो मना है, उनका एग्रीमेंट हुआ पाए, तो उन्होंने लेज़र गन और माइक्रोवेव वगैरह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। और इस टेक्नोलॉजी की ख़ास बात यह है कि ये अपने मुल्क में बैठे बैठे जगह का अंदाज़ा लगाते हैं, किस जगह पे उन्होंने वेव से हमला करना है, और उस जगह पर वेव छोड़ते हैं और वहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह जैसे बिजली गिरती है इस तरह से हमला होता है और अपना हदफ जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी नई टेक्नोलॉजी है। भारत परेशान है, अमेरिका परेशान है, लेकिन पाकिस्तान परेशान नहीं है। पाकिस्तान को कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी हो सकती है, इसलिए इंडिया को होशियार हो जाना चाहिए। खैर, पहले तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो भी आसानी से मिले। और इस तरह की हम इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। और कहीं कहीं इंडियन खबरें और उससे पता लग रहा है कि उनको शक है कि ये माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी चाइना ने दे दी होगी, या कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने ही बनाई थी, डॉक्टर कदीर खान की ईजाद ही है। लेकिन वैसे इस वक्त फ़िलहाल वेपन वगैरह जो टीवी पे दिखाए गए और टैंक वगैरह पे जो रडार वगैरह लगे हैं जो माइक्रोवेव छोड़ते हैं, और वो वेव छोड़ते हैं तो अपने टारगेट पे जाके हमला करते हैं। और ये इस किस्म की वेव्स होती हैं कि जैसे अगर किसी इलाके में दुश्मन है और आपने देख लिया, टारगेट कर लिया अपने सैटेलाइट से, ड्रोन से, कि हमने फला जगह पे हमला करना है, तो होता ये है कि उस इलाके में अगर क्लाउडली वेदर है तो नीचे से वेव छोड़ी जाती हैं जो क्लाउड में जाके लगती हैं और फिर वो वहाँ पे आसमानी बिजली गिरती है। एक तरीके से ये वेव्स हेल्प करती हैं आसमानी बिजली गिरने पे। इन्होंने ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है कि जहाँ पे ये चाहेंगे वहाँ बिजली गिरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे क्लाउडी वेदर हो या बादल हो या बारिश जैसे आसार हो, तो अपने टारगेट पे वो बिजली गिरा सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी उन्होंने इंडियन आर्मी के ऊपर आजमाई है। और कैजुअल्टी कितनी हुई है, क्या हुआ, ये तो कुछ नहीं पता, लेकिन ये कि वहाँ से वो लोग मूव हो गए इतना ज़रूर पता है। और बाकी कोई खबर, इंडियन मीडिया तो परेशान है क्योंकि वो कोई ऐसी खबर नहीं देते जिसमें उनकी हार नज़र आए। उन्होंने तो ये तक खबर नहीं दी कि उनके इलाके में 60 किलोमीटर तक चाइना ने इलाके में कब्जा कर लिया लद्दाख में, लेकिन वो ये है कि बताने से कासिर हैं। उनको बाकायदा कहा जाता है और फिर मीडिया भी कंट्रोल होता है, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है। और इंडिया की ख़ास बात यह कि इंडिया अपने आर्मियों के बारे में कोई इस किस्म की न्यूज़ या उनके लीडरान वगैरह आपने देखा होगा इस किस्म की कोई प्रोडिक्शन नहीं करते, और कोई ऐसी बात तो करते ही नहीं है जिससे उनकी आर्मी जो डिग्रेड हो। लेकिन हमारे यहाँ के वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब जो है वो कंटिन्यू कोई ना कोई आर्मी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और आर्मी बड़ी ईजी ले रही है। उसकी वजह यह है कि अब वजह यह है, ये आप लोग खुद लगा लें वजह क्या है। खैर, नवाज शरीफ साहब जिस इलाके से नवाज शरीफ का ताल्लुक है उस इलाके के ही ज़्यादातर आर्मी में लोग हैं, और नवाज शरीफ के ख़ानदान वाले भी आर्मी में होंगे, तो वो जितना भी कहें उनको 100 खून माफ़ हैं। वैसे इधर उधर दूसरे सूबों में अगर नवाज शरीफ हुकूमत कोई ऐसा लीडर होता जिस किस्म की बात करता तो आज तक उल्टा लटक चुका होता, लेकिन नवाज शरीफ नहीं लटकेंगे। उनको जब कोई उनके अदालत का टाइम आता है तो उनका बाईपास का टाइम एक साथ आ जाता है, और पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो बिल्कुल ऐन उसी वक्त आ जाती हैं जब उनके सज़ा का फैसला होना होता है। जबकि परेशान है, वोट को इज्जत दो। अब इज्जत आपको पता है वोट को किस तरह मिली है, कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुए थे उनका एक नवाज शरीफ ने एक साहब को खड़ा किया था जो PMLN की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको सुना एक वोट मिला है। वो एक वोट उनका अपना वो एक वोट उनका अपना था, यानी उनके घर वालों ने भी वोट नहीं दिया, वरना घर में 4-5 अफराद होते हैं या खानदान में 100 अफराद होते हैं, लेकिन उनको एक ही वोट मिला जो उनका अपना था। अब इस पर क्या कहेंगे, वोट को इज्जत दो। और मज़े की बात यह कि उस पोलिंग स्टेशन पे ना तो आर्मी थी ना कोई था जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई हमारा हाईजैक हो गया है और हमारी सीट छिन गई है या वोट को इज्जत दो, ये नारा भी लगाने से भी खासी है, क्योंकि वहाँ पे तो भाई कोई सिक्योरिटी नहीं थी आर्मी वगैरह की।
तो जितना चाहते घपला करते, लेकिन घपला नहीं कर सके। और वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो इसलिए कहते हैं कि भाई हर जगह हमें घपला करने दो, हम जीतेंगे, हम मान लेंगे बिल्कुल सही इलेक्शन में क्योंकि हम जीते हैं, और जब हार जाते हैं तो बस हमारा बैट बॉल वापस करो वाली बात होती है। जैसे बचपन में हम अपना क्रिकेट बैट किसी को दे देते थे, तो जब अगर हम आउट हो जाते थे तो हम अपना बल्ला भी अपना घर ले जाते थे, ऐसी के जैसे हम क्रिकेट खेल नहीं देंगे किसी को। ये सच बात है, बहुत से लोगों को मालूम होगी इस किस्म की हरकतें हम करते रहे अपने इलाके में रोड पे जब क्रिकेट खेलते रहे। खैर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और इन्फॉर्मेशन ये दी नहीं कि चाइना ने एक नई टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, जो कि पाकिस्तान के पास भी शवाहिद हैं कि ऐसे होगी। वैसे तो हर आदमी जो है कोई ढोल बजा के तो नहीं कहता, लेकिन ये हमारे अक्सर मीडिया जो है ढोल बजा के हर बात बता दिया करता है, इतना शोर मचाता है कि उसको नजर लग जाती है। अब सी पैक, इमरान खान साहब किसी तरह सी पैक का इफ्तिताह नहीं कर रहे, ना चाइना के वजीर आजम आ रहे हैं, और लेट करे जा रहे हैं ताकि और खप पैदा हो। अब पता नहीं क्या इनकी स्ट्रैटेजी होती है, मेरी तो भाई समझ में नहीं आता है। मैं होता तो पहले दिन ही इफ्तिताह कर देता, ऐसी की तैसी जाओ, फिर बाकी बोलते रहो, शोर मचाते रहो। लेकिन हो सकता है डील के इंतजार में हो, किसी बड़ी डील के इंतजार में, जिसकी वजह से सी पैक वाइंड अप भी कर सकते हैं शायद, क्योंकि भाई किसी चीज़ का इफ्तिताह ना करना, डिले करना किसी काम को, तो फिर यही शक में आती है सारी बातें। दूसरी चीज़ें, कराची के समंदर में जो ऑयल यानी जो तेल की दरियाफ्त हुई थी, दरियाफ्त तो जाहिर ही हुई थी भाई, दुनिया के इतने बड़े बड़े शिप जो हैं आके, कंपनी जो है आके ड्रिल करे और तेल ना मिले, नामुमकिन है। उनको जब तक कंफर्म नहीं पता होता कि यहाँ से हमें फ़वाद हासिल करेंगे, तब तक वो ड्रिल नहीं करते, क्योंकि उनका भी फायदा हो रहा होता है। लेकिन ये क्या एकदम से आपने देखा कि उन्होंने वाइंड अप कर लिया, इसलिए कि ऊपर से उन्होंने कहा होगा किसी दूसरे मुल्क ने कि भाई तेल मत निकालो, क्योंकि सारा तेल तो ये हमसे खरीदते हैं, अगर तुमने तेल निकाल दिया तो हमसे कौन तेल खरीदेगा, और तेल की खपत ज़्यादा हो जाएगी, तेल मार्केट में सस्ता हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान को तेल नहीं निकालने देना है। वो हमारा ही, हमारे अपने भाई लोग हैं जो इस किस्म की बात करते हैं, अब बिल्कुल सामने आ रहे हैं। खैर, एक दूसरी खबर मैं ज़रूर आपको दूंगा, आप बेफिक्र रहें, जो कि आपकी नज़रों से नहीं गुजरी होगी और ना ही आप इस बारे में सोचते हैं। भैया जाहिर बात है, हमारा पूरा मुल्क इस बात में सोचता है कि भाई कल पानी आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, आएगा तो किस वक्त आएगा, कितने बजे से कितने बजे तक आएगा, और हम लाइन में लग के पानी भरेंगे। अगर ज़्यादा पैसे हैं तो टैंकर खरीद लेते हैं अमीर लोग, और जो अमीर लोग टैंकर खरीदते हैं उन्हीं की बदौलत गरीबों को पानी नहीं मिलता है। उसकी वजह यह है कि टैंकर माफिया भी जो है पानी की लाइन तोड़ के वहाँ से अपना टैंकर भरती है, लेकिन लाइन जब तोड़ देते हैं तो आगे पानी जाता नहीं है। लेकिन सब खामोश बैठे हैं, क्योंकि ये भी तो एक स्ट्रैटेजी है ना, कराची पे कब्जे की जंग हो रही है और सारे IDP और हर पूरे पाकिस्तान से जो है वो काम की तलाश में कराची लोग आते हैं, उनको वहाँ पे बसा दिया जाता है। जाहरी बात है उसकी वजह ये है कि भाई सिंध के लोग मिनोरिटी में हो जाएंगे, उसके बाद हमारा कब्जा हो जाएगा, जिस तरह हमने बांग्लादेश अलग करके और पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, उस तरह कराची सोने की चिड़िया है। सुनते हैं, अभी एक भाई साहब की खबर सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने इस तरीके से प्रडिक्शन करे, हमारे प्रडिक्शन तो होती रहती है, जो भी कर जो करना है कर लो भाई, हम तो वो करेंगे जो हमारी मर्जी होगी। खैर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और हमारे चैनल को आगे लोगों को भी देखने का चांस दें, और फेसबुक में अगर शेयर कर लेंगे तो ताड़ी बहुत मेहरबानी पायल। खैर चले, ठीक है ना जमल भी, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।